हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टॉपिक जो है वो यहाँ पे हम करेंगे तो पहला टॉपिक हमने यहाँ पे लिया ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर के जो भी एमसीक्यूज बनते हैं वो यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं इससे पहले हमने पावर सिस्टम कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क थेरी एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो है कंप्लीट कर लिया है तो उसके वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्ले में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मशीन का नया टॉपिक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का नया टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मर तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन दिया हुआ है एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज़ तो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर लॉसेज जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं रिलक्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है और रजिस्टेंस जो होता है ज़ीरो होता है तो ये जो होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर करेक्ट्रिस्टिक्स आप कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इन ट्रांसफॉर्मर इज एन एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस तो ट्रांसफॉर्मर में कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन क्वेश्चन नंबर थर्ड इन ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स पैरामीटर चेंज तो ट्रांसफॉर्मर में कौन सा पैरामीटर चेंज नहीं होता ऑप्शन दिए हमें वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी ऑल तो क्या होता है वोल्टेज तो हमारा होता है स्टेप अप स्टेप डाउन करंट जो होता है वो भी रेशियो से मल्टीप्लाई होता रहता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज नहीं होता तो ट्रांसफॉर्मर क्या होती है ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टेटिक डिवाइस विच ट्रांसफॉर्मर द ट्रांसफॉर द एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को विदाउट ए चेंज इन फ्रीकवेंसी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फोर है ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स क्या ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज करंट फ्रिक्वेंसी एंड पावर तो ट्रांसफॉर्मर जो है पावर को ट्रांसफॉर्म करता है विदाउट ए चेंज इन फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है यूनिट ऑफ रिलस तो रिलेक्टेंस का फॉर्मुला क्या होता है हमारे पास फ्लक्स जो होता है फ्लक्स होता है फ्लक्स इक्वल टू एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस यहाँ से रिलक्टेंस क्या आ जाएगा ये फ्लक्स है रिलेक्टेंस आ जाएगा एम एम एफ अपॉन फ्लक्स तो एम एम एफ की क्या यूनिट होती है एमपियर टर्न और फ्लक्स की क्या यूनिट होती है वेबर तो रिलेक्टेंस की यूनिट यहाँ पे आ जाएगी एमपियर टर्न अपॉन वेबर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके अंदर एक दूसरा लॉ भी यूज में लिया जाता है उसको हम कहते हैं लेंज लॉ और ये किस लिए यूज में लिया जाता है ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करता है और ये कि लो क्या होता है ये अपोज करता है चेंज क्योज को क्योज जो होता है किस वजह से कोई भी चीज चेंज होती है उसको अपोज करता है उसे लेंस लो कहते हैं और ये इंड्यूज ई की जो है डायरेक्शन के लिए हम यूज में लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन इन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज द फ्लक्स बाई डिग्री तो वोल्टेज क्या करता है फ्लक्स को लैग करता है या लीड करता है कितने डिग्री से करता है तो ये क्वेश्चन है हमारा तो ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज जो है फ्लक्स को नाइन्टी डिग्री से लीड करता है ठीक है तो ये हो जाएगा नाइन्टी डिग्री से और यहाँ पे हो जाएगा लीड लीड द फ्लक्स बाई नाइन्टी डिग्री क्वेश्चन नंबर एट है इन ट्रांसफॉर्मर इंड्यूज ई एम एफ इज़ डायरेक्टली प्रपोजनल टू द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इंड्यूज ई एम एफ का फॉर्मूला जो है उसमें पता है आपको क्या क्या टर्म्स आते हैं तो वो डायरेक्टली प्रपोजनल होता है फ्लक्स के तो फ्लक्स की कौन सी वैल्यू के प्रपोजनल होता है ऑप्शन दिए हुए मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू आर एम एस एंड नन तो ये होता है फाइव एम तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वेश्चन नंबर नाइन है नो लोड करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई तो नो लोड करंट कंपोनेंट जो होता है हमारा उसको हम आई नोड से डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मर में और वो क्या करता है वोल्टेज जो है हमारा टर्मिनल वोल्टेज ये टर्मिनल वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज से क्या करता है ये अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी फाइव डिग्री जो है लैग करता है जब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरह का आता है ये हमारा फ्लक्स है ये है, वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वी वन मान लेते हैं इसको और ये फ्लक्स तो इसके अंदर जो हमारा नो लोड करंट का कंपोनेंट है वो इस तरह से कुछ होता है इसका मैंने फेजर डायग्राम आपको पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट और उसका फेजर डायग्राम किस तरह से बनाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये नो लोड कंपोनेंट होता है आई नोड तो ये क्या होता है अप्रोक्सीमेटली जो है सेवेंटी फाइव डिग्री से लैग करता है किसको वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज को क्वेश्चन नंबर टेन है ओपन सर्किट टेस्ट इज़ परफॉर्मड ऑन विच साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है एल वी साइड परफॉर्म किया जाता है और क्यों किया जाता है क्योंकि एल वी साइड पे जो वोल्टेज जो होता है हमारा वो लो होता है तो हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ में लेने होते हैं वोट मीटर या जिससे भी हम मेजर करते हैं तो वो क्या होता है लो रेटिंग का हम यूज़ में ले सकते हैं एल वी साइड पे तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम एच वी साइड को जो है ओपन कर देते हैं और एल वी साइड पे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म टू डिटरमाइन तो ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है टू डिटरमाइन द कोर लॉसेज एंड मैग्नेटाइजिंग करंट कोर लॉसेज जो मैन है कोर लॉसेज है कोर लॉसेज को डिटरमाइन करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म टू डिटरमाइन तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए परफॉर्म किया जाता है कोर लॉसेस कंपोनेंट जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए ये कौन से लॉसेस होते हैं फुल लोड कोर लॉसेस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर लॉस कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड बिकॉज तो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम किस लिए यूज में लेते हैं कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम कोर लॉस कंपोनेंट होता है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं और क्यों कर देते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है वो एचवी साइड में परफॉर्म करते हैं और एल वी साइड को हम जो है शॉर्ट कर देते हैं शॉर्ट सर्किट किसको करते हैं एल वी साइड को और किस साइड पे परफॉर्म करते हैं एच वी साइड परफॉर्म करते हैं लेकिन शॉर्ट सर्किट जो टेस्ट होता है उसके अंदर हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है या प्राइमरी साइड में जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो रेटेड वोल्टेज का फाइव टू टेन परसेंट ही हम यूज़ में लेते हैं तो इस वजह से कोर लॉसेस किस पे डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज पे डिपेंड करता है तो फाइव टू टेन परसेंट ऑफ रेटेड वोल्टेज अगर हम लेंगे तो कोर लॉस कंपोनेंट जो है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीथ है ओपन सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफॉर्मर इज़ कंडक्टेड बाई यूजिंग तो ट्रांसफॉमर में ओपन सर्किट टेस्ट किसको यूज करके कंडक्ट किया जाता है लो पावर फैक्टर वोट मीटर को और लो पावर फैक्टर वोट मीटर क्यों यूज में लेते हैं क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है नो लो टेस्ट भी बोलते हैं इसको हम नो लो टेस्ट और नो लोड पे क्या होता है हमारा पावर फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है पावर फैक्टर जो होता है लो होता है तो हम जो वोट मीटर यूज़ में लेते हैं लो पावर फैक्टर वोट मीटर यूज़ में लेते हैं परफॉर्म करने के लिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है ट्रांसफॉमर नेम प्लेट डिस्प्लेइंग टू हंड्रेड के वी ए टू थाउजेंड बाई टू हंड्रेड वोल्ट मीन्स एक ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है उसके नेम प्लेट जो है उसके ऊपर रेटिंग्स लिखी हुई होती है उसकी करंट जो होती है वो वोल्टेज है या के वी ए रेटिंग जो लिखी होती है पावर फैक्टर कितना है इसका ये सब तो इसकी नेम प्लेट पे लिखा है टू हंड्रेड के भी टू थाउजेंड बाई टू हंड्रेड वोल्ट इसका क्या मतलब है ये इसका मतलब होता है ये फुल लोड पे है फुल लोड पे और रेटेड वोल्टेज जो है रेटेड करंट सप्लाई करता है किस पे रेटेड वोल्टेज पे रेटेड करंट एट रेटेड वोल्टेज ठीक है वी आर लिख देते हैं इसको रेटेड हो तो जाएगा रेटेड करेंटेड रेटेड वोल्टेज और इसके अंदर टू हंड्रेड के वी जो है इसकी केवीए रेटिंग है टू थाउजेंड बाई टू हंड्रेड जो है ये प्राइमरी वोल्टेज है और ये सेकेंडरी वोल्टेज है और ये नो लोड वोल्टेज नहीं है नो लोड वोल्टेज जो है इससे कहीं ज़्यादा होगा ये फुल लोड वोल्टेज है तो ये इसके नेम प्लेट डिस्प्ले करती है रेटेड वोल्टेज इसको बोलते हैं वो है ये टू थाउजेंड बाई टू हंड्रेड इसको आप ट्रांसफॉर्म ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज जीरो एट तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कौन से पावर फैक्टर पर होता है तो ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इफ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज़ नेगेटिव देन ट्रांसफॉर्मर इज लोडेड विद डेड तो अगर ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है नेगेटिव होता है नेगेटिव कब होता है लीडिंग पावर फैक्टर है इस पर जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है तो ट्रांसफॉर्मर का लोड जो होता है वो कैपेसिटी होता है कैपेसिटी लोड होगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है नेगेटिव हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्वेश्चन नंबर एटीन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज मैगजिमम एप तो मैक्सिमम क्यों से पावर फैक्टर पे होता है ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडिंग पावर फैक्टर पे जो है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है और लैगिंग पावर फैक्टर पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इन ए अकर शर्ट पावर फैक्टर तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर पे और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है लैगिंग पावर फैक्टर होता है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पे उसकी वैल्यू होती है आर इक्वेलेंट अपॉन जेड इक्वेलेंट लैगिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज गिवन बाय तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पे पावर फैक्टर कितना है और यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या होती है तो ये होती है जेड पर यूनिट जेड पर यूनिट जो वैल्यू होती है वो वोल्टेज की वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम की वैल्यू होती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर शुड बी ऑप्शन दिए हुए हैं लो हाई एनी ऑफ दीज नीज तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफॉर्मर का फिगर ऑफ मेरिट होता है एफ आई जी जिसको बोलते हैं ना फिगर ऑफ मेरिट और ये जो होता है हमेशा लो होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाई तो ट्रांसफॉर्मर का अगर वोल्टेज रेगुलेशन रेगुलेशन हाई है तो उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू हमने देख ली थी जेड पर यूनिट होती है तो अगर हम लीकेज इम्पीडेंस जो है उसको जेड पर यूनिट क्या है हमारा लीकेज इम्पीडेंस इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन रिड्यूस हो जाएगा इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या रिड्यूस कर सकते हैं या तो आर आर पर यूनिट रिड्यूस कर सकते हैं या तो एक्स पर यूनिट को रिड्यूस कर सकते हैं तो आर पर यूनिट जो हमारा होता है वो तो ऑलरेडी फिक्स होता है एक ऑप्टिमम वैल्यू पे होता है क्योंकि आर जो होता है उसके ऊपर लॉसेस डिपेंड करते हैं तो आर जो हमेशा मिनिमम ही होना चाहिए वाइंडिंग जो है उनके रजिस्टेंस या ट्रांसफार्मर का तो आर तो हमारे एक ऑप्टिमम वैल्यू पे पहले से होता है एक्स पर यूनिट जो है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको हम बोलते हैं लीकेज रिएक्टेंस तो एक्स पर यूनिट कैसे रिड्यूस होगा जब हम लीकेज फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग लीकेज फ्लक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड है लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी रिड्यूज बाई तो अब लीकेज फ्लक्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं कीपिंग टू वाइंडिंग्स फिजिकली क्लोज टूगेदर दो वाइंडिंग जो होती है हमारे ट्रांसफॉर्मर में अगर उनको फिजिकली हम क्लोज रखेंगे जितना ज़्यादा क्लोज रख सकते हैं उतना ही लीकेज फ्लक्स जो है हमारा रिड्यूज हो जाएगा और लीकेज रिएक्टेंस रिड्यूज हो जाएगा जिससे हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जो है रिड्यूज हो जाएगा और ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है वाइंडिंग यूज इन सेल टाइप ट्रांसफॉर्मरज तो सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में कौन सी वाइंडिंग यूज में मिल जाती है सैंडविच वाइंडिंग यूज में ली जाती है और को टाइप ट्रांसफॉर्मर में कौन सी ली जाती है कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल टाइप फाइंडिंग इज यूज इन को टाइप ट्रांसफॉर्मर इसको याद करने का तरीका है सेल का एस से याद कर सकते हैं कोर का सी से याद कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है पावर ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट तो पावर ट्रांसफार्मर की जो होती है ये हमेशा हमारा ऑपरेशन में रहता है पावर ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसमिशन के लिए हम यूज में लेते हैं जो हाई वोल्टेज रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर होता है तो ये ऑल टाइम जो है या तो हमेशा मैक्सिमम फुल लोड पे रहेगा या तो कनेक्ट रहेगा ही नहीं इसके अंदर ये नहीं है कि लोड कम होता रहता है या ज्यादा होता रहता है पावर ट्रांसफॉर्मर है हमेशा मैक्सिमम लोड पे वर्क करता है नियर टू फुलर इज डिजाइन टू हे मैगजम तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तो क्या होते हैं डी होते हैं हमारे जो कंज्यूमर जो जहां पे कंज्यूमर लेवल आता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यहाँ से हम फीडर्स निकालते हैं और फीडर से सप्लाई जो है सर्विस के थ्रू कंज्यूमर के परमिशेज तक सब हम पहुंचाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पे लोड जो होता है हमेशा कम होता रहता है ज़्यादा होता रहता है किसी भी तरह से जिस तरह से हम अप्लायंस यूज करते हैं उसी तरह से डी का लोड जो है चेंज होता रहता है ओल्ड एज चेंज होता रहता है डी का लोड तो इसके अंदर क्या होता है मैग्जिम एफिसंसी जो है वो फिफ्टी परसेंट और फुल लोड पर हमें मिलती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग हाई वैल्यू ऑफ फर यूनिट इंपीडेंस इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर पर यूनिट इम्पीडेंस अभी हमने देखा था लो होना चाहिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए लेकिन पावर ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो हमेशा से हमें फुल लोड पे वर्क करते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता वोल्टेज रेगुलेशन को हम जो है हाई भी यूज में ले सकते हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है पावर ट्रांसफॉर्मर पर वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए एक मैन कंपोनेंट होता है मैन जो भी फिगर ऑफ मेरिट होता है या आप इसको मान सकते हैं इस तरह से तो मेन जो इसको यूज में लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन किसके लिए हमारा कंसर्न होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कंसर्न होते हैं तो पावर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा मायने नहीं रखता तो इसके लिए हमारा पर यूनिट इम्पिडेंस है वो भी हाई हो सकता है तो पर यूनिट इम्पिडेंस अगर हाई है तो उसका एक एडवांटेज होता है इसका क्या एडवांटेज है इट रिड्यूसेस द फॉल्ट लेवल फॉल्ट लेवल जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है क्योंकि फॉल्ट लेवल होता है अपॉन जेड पर यूनिट होता है इस तरह से निकालते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है लीकेज रिएक्टेंस ऑफ हाई वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर इज़ डैश देन दैट ऑफ ए लो वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफॉर्मर तो लीकेज रिएक्टेंस जो होता है हाई वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर का क्या होता है हाई होता है ग्रेटर मान सकते हैं इसको ग्रेटर देन दैट ऑफ लो वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफॉर्मर

तो हमें क्लोज रखना होता है फिजिकली ताकि हमारा लीकेज रिएक्टेंस जो है कम हो जाता है क्योंकि लीकेज फ्लक्स कम होगा तो अगर हाई वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर जो होता है थिक इन लेमिनेशंस की वजह से फिजिकली सेपरेट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन अ ट्रांसफॉर्मर इज टू तो आयरन कोर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ट्रांसफॉर्मर में कोर जो होती है आयरन की होती है ये क्या करती है टू डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ रिलेक्टेंस जो होता है उसको डिक्रीज कर देती है तो रिलेक्टेंस अगर हमारा डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर हो जाएगा टू डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ आयरन कोर इज़ प्रोवाइडेड इन ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी दिया हुआ है इन्हें हंड्रेड के वी ट्रांसफॉर्मर इलेवन हंड्रेड बाई टू ट्वेंटी वोल्ट फिफ्टी हर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद टू हंड्रेड टर्न ऑन हाई वोल्टेज साइड द ओपन सर्किट टेस्ट रिजल्ट गिव्स टू ट्वेंटी वोल्ट नाइन्टी वन एमपियर एंड फाइव किलो वोल्ट ऑन एल्टी साइड द कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट इज तो ये क्या कर रहा है ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हमें एक ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है जिसके ये रेटिंग्स है और उसके जब परफॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मर पे टेस्ट तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें टू ट्वेंटी वोल्ट मिलता है नाइन्टी वन एमपियर एंड फाइव किलो वोल्ट पावर मिलती है एल वी साइड पर तो पूछा है कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा तो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए हुए हैं इक्वेशन आप खुद सोल्व करें कि इसका आंसर क्या होगा आंसर सोल्व करके इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका सोल्यूशन करेंगे कि क्या होगा एल वी कोर कंपोनेंट जो है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है तो आप इसको ट्राई करें इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें लाइक करना नहीं भूले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले वीडियोज हम और ट्रांसफॉर्मर के लेकर आऊँगी एक और वीडियो और उसके बाद हम डी मशीन और इंडक्शन मशीन करेंगे थैंक यू सो मच